बच्चों, हमने जैसा कि पार्ट वन में रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण और इस तरीके से बताते हुए प्रश्न दे दिया था, अब आज मैं आपको पार्ट टू में इसी क्वेश्चन को पूरा वेरीफाई करूंगी, किस तरीके से हम इसको बीजगणितीय रूप में और किस तरीके से हम इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी कि पापा अपने बेटी से कह रहा है कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब मैं 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस तरीके के जो बेटा क्वेश्चंस होते हैं, इनको पहले हमें अलजेब्रिक फॉर्म यानी कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना होता है। तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए यहाँ पर दो लोग हैं, एक आफताब है और एक आफताब की पुत्री है। तो देखिए, दोनों की आज की, पहले तो सबसे पहले तो हम आज की इनकी आयु जान ले। आज की जब हम आयु जान जाएंगे, तब हम 7 वर्ष क्या उसके 20 वर्ष बाद और पहले सब निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना, इस तरीके के सवालों का हमेशा इसी तरीके से हल किया जाता है। माना आफताब की, ये हमारा बेटा बीज गणितीय रूप यानी व्यक्त करा जा रहा, तो इसे हम पहले ऐसे ही शुरू करेंगे। माना आफताब की वर्तमान उम्र इज इक्वल टू एक्स वर्ष, पुत्री की वर्तमान उम्र वाई वर्ष, दोनों की मान ली। अब इन्होंने जो वार्तालाप करी, इसको देखिए अब शुरू करेंगे। पहले क्या कहा, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, यदि आज आपकी एक्स है तो 7 वर्ष पहले क्या होगी? यस, बिल्कुल सही, उसमें से हम 7 वर्ष पहले माइनस कर देंगे। जैसे मैंने मानना बोला कि आज मेरी यदि उम्र 20 ईयर्स है तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? यस, 13 ईयर्स, क्योंकि मतलब हमने आज के हिसाब से 20 में से 7 माइनस कर दिए, लेकिन हमने यह अलजेब्रिक वे में मान रखा कि आज की उम्र यानी वर्तमान उम्र एक्स है और वर्तमान उम्र वाई है। तो एक्स और वाई के अकॉर्डिंग आफताब की 7 वर्ष पूर्व, इस तरीके से लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 वर्ष, और इसी के अकॉर्डिंग पुत्री की 7 वर्ष, देखिए पुत्री, थोड़ा सा मैं जल्दी कर ले रही हूँ इसलिए इस तरीके से लिखना है, लेकिन आपको पूरा पूरा लगाना है। तो क्या हो जाएगा? वाई माइनस 7 वर्ष। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न के अनुसार। क्यों चलेंगे प्रश्न के अनुसार? ऑब्वियसली जैसा वो प्रश्न हमसे कहेगा तो हम प्रश्न अनुसार कहेंगे चलेंगे। तो वो क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व कौन? आफताब यानी मैं। तो आफताब कितना था? एक्स माइनस 7। किससे था 7 गुना? अपनी पुत्री से। पुत्री कितनी थी? वाई माइनस 7, तो इंटू उसका 7 गुना हो जाएगा। इसको समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, 7y-49, पक्षांतर कर देंगे, चर राशियों को एक तरफ ले आएंगे और अचर राशियों को एक तरफ ले आएंगे। तो एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू -42। ये हमारी एक समीकरण बन गई, क्लियर। ये पहली शर्त के अनुसार हो गया। अब हम लोग कहेंगे अब से 3 वर्ष बाद, देखिए वो था पहले यानी पूर्व, तो माइनस कर दिया, और 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? यदि आज हम 20 ईयर्स के हैं तो 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएंगे? हम हो जाएंगे 23 के। तो हम यहाँ पर इसी तरीके से लिखेंगे, 3 वर्ष बाद किसका? आफताब की उम्र। यस, बिल्कुल सही बोला, एक्स प्लस 3 वर्ष। और इसी तरीके से 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र क्या हो जाएगी? वाई प्लस 3 वर्ष। अब हम फिर प्रश्नानुसार चलेंगे, क्योंकि प्रश्न के अनुसार उसने क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे यानी आफताब 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे,
एक्स प्लस थ्री है हमारे आफ्ताब जी और पुत्री है वाई प्लस थ्री, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, तीन गुना समीकरण हो जाएगी एक्स प्लस थ्री, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा थ्री वाई प्लस नाइन, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन माइनस थ्री। जैसा कि हम जानते हैं कि चर राशियों को एक तरफ कर लेते हैं और अचर राशियों को दूसरी तरफ, ये हमारी समीकरण क्या हो गई दो। अब इन्हीं पहली और दूसरी समीकरण को, चूंकि पहली समीकरण मैंने पीछे लिख रखी है, इसको मैं तुम्हारे उसके लिए आगे लिख देती हूँ, x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस 42, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन थी। ये दोनों कहलाता है बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप। तुम लोग याद करो जब स्टार्टिंग में हमने समझाया था, देखो कि ग्राफ पेपर का यूज करके हम लोग किस तरीके से, या तो डायरेक्ट इस फॉर्म में आ जाएगा, या तो डायरेक्ट इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम ग्राफ में बना लेंगे, लेकिन हमने ये वाला क्वेश्चन जान के लिया कि एक तुम्हारा स्टोरी के फॉर्म में कि किस तरीके से उस स्टोरी को फॉर्म को लेकर के हम बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त कर लेंगे और इसी के द्वारा हम सॉल्व करेंगे इसमें ग्राफ पेपर पर। तो अब बच्चों ये एक लंबी कहानी है, छोटी कहानी नहीं कि बस हो गया और मजा आ गया, बट हाँ ये इसका एक आधा पार्ट तुम्हारा खत्म हो गया बीजगणितीय रूप वाला, लेकिन अभी इस